Good morning everyone, welcome to TS in the school. Myself is Swati Mahawar. I teach SST subject. Today we start economics of class 9. So start with the chapter number 1, the story of village Palanpur. In this chapter we complete the second point, is there a way one can grow more from the same land. We complete this topic in the last video. Today we start the topic number 3, will the land sustain. सो शैल वी स्टार्ट. लैंड बींग अ नेचुरल रिसोर्स. लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है. मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था. इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज़. बहुत कंपल्सरी है कि हम उसको केयरफुली यूज़ करें. साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मैथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस. मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जब हमने HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हमने यूज़ किए थे, तो जिसका सीधा अफेक्ट किस पर होता है, उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर होता है जहाँ पर आप कल्टीवेशन कर रहे हो. ओवर यूटिलाइजेशन होने की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इन मैनी एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए थे ग्रीन रिवोल्यूशन में, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लॉस किसको हुआ था, सॉइल की फर्टिलिटी को हुआ था. उसकी जो फर्टिलिटी थी, एल्यूवेबिलिटी थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी. कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस्ड द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड. अब इरीगेशन फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए थी इसके अंदर, इरीगेशन इक्विपमेंट्स इनको ज़्यादा चाहिए थे, तो इन्होंने ट्यूबवेल्स को इतना यूज़ किया, जिसकी वजह से ट्यूबवेल्स ज़्यादा यूज़ होने की वजह से वाटर टेबल कहाँ चला गया, नीचे चला गया. एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर वॉज बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स. सॉइल फर्टिलिटी और जो ग्राउंड वाटर था, उनको वापस बनने में, सॉइल को वापस फर्टाइल होने में और ग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल है उसको वापस अपर आने में बहुत टाइम लगता है. वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीस्टोर दैम. एक बार ख़राब करने के बाद इसको वापस से रीस्टोर करने में, वापस बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. एनवायरमेंट को अच्छे से रखने के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी देखभाल करें, केयरफुली हम उसको यूज़ करें, ताकि आने वाली जनरेशन उस एनवायरमेंट्स को, उस नेचुरल रिसोर्सेज को काम में ले सके. नाउ केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर एंड इमीजिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स, बट दीज मे नॉट बी रिटेन इन द सॉइल फॉर लॉन्ग. अब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल के अंदर हम काम में लेते हैं, तो वो केमिकल फर्टिलाइजर्स वाटर के थ्रू सॉइल के अंदर जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक उस सॉइल के अंदर नहीं रहते हैं. कुछ टाइम बाद वो जो होते हैं डिसॉल्व होके अंदर ज़मीन के अंदर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, और वही वाटर आगे ग्राउंड वाटर में जाकर के रिवर्स और लेक्स के अंदर फ्लो हो जाता है. दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर. सॉइल से निकल के वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देते हैं, जैसे कि रिवर्स लेक्स का पानी क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है. केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया. केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को भी मार देते हैं एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल. और सॉइल के अंदर जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको भी वो लोग किल कर देते हैं. दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर दे यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर. ज़्यादा टाइम तक अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया पर कल्टीवेशन करते हैं, तो कुछ टाइम बाद उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और वो सॉइल क्या हो जाती है, बैरन हो जाती है. द कंसप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ हाइएस्ट इन द कंट्री. सबसे ज़्यादा जो कंसप्शन था केमिकल फर्टिलाइजर्स का, HYV सीड्स का, वो कहाँ था, पंजाब में. द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. अब कंटिन्यू उन्होंने यूज़ किया केमिकल फर्टिलाइज़र, जिसकी वजह से उनका सॉइल का जो फर्टिलिटी था वो कम हो गया. पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल. अब धीरे धीरे वो ज़मीन डिस्ट्रॉय होती गई, तो अब ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र उनको यूज़ करने की नीड वहाँ पर होने लगी, कि हम ज़्यादा और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करें, ताकि जो पहले हमारा प्रोडक्टिविटी का लेवल था हम उसको रीच कर सकें. दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट. और इसकी वजह से उनका कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया. ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की वजह से उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गया. नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालनपुर.
अब वहाँ पर जो फार्मर्स थे उनमें लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट था, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट था ज़मीन वहाँ पर। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। अब तक तो हम ये समझ चुके हैं कि ज़मीन हमारे लिए फार्मिंग के लिए कितना ज़रूरी था वहाँ के फार्मर्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशियंट लैंड फॉर कल्टिवेशन। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग वहाँ पर कल्टिवेशन करते थे, जितने भी लोग वहाँ पर प्रोडक्शन करते थे, उनकी खुद की ज़मीनें होती थी, वो लैंड ओनर्स होते थे, वो एज अ लेबर भी वहाँ पर काम करते थे, किसी दूसरे के पर्टिकुलर फार्म के अंदर जाकर भी एज अ लेबर वो लोग काम करते थे टू सर्वाइव देयर लाइफ। इन पालनपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। पालनपुर के अंदर 450 फैमिलीज़ में से 150 फैमिलीज़ जो थी वो क्या थे, लैंडलेस थे। 1/3 पार्ट जो दलित का हमने प्रीवियस में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो वो जो 1/3 पार्ट था वो क्या थे, 150 फैमिलीज़ थे, वो लैंडलेस थे, उनकी खुद की ज़मीनें नहीं थी। मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज़ हु ओन लैंड 240 फैमिलीज़ कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड and less than 2 hectares in size। अब जो बची हुई रिमेनिंग थे 450 में से 150 गए तो 300 जो रिमेनिंग थे उसमें से 240 फैमिलीज ऐसी थी जिनका कल्टिवेबल एरिया 2 हेक्टेयर से भी कम था। ये छोटे छोटे से फार्म्स आपको दिख रहे हैं इन द फिगर 1.5। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। और ये जो कल्टिवेशन था इन प्लॉट्स का, जो इतना भी वो लोग वहाँ पर कल्टीवेशन करते थे, वो उससे उनके फैमिली के नीड्स फुलफ़िल नहीं हो पाते थे, वो इतना ही नहीं कमा पाते थे कि अपनी फैमिली को अच्छे से सर्वाइव कर सके। इन 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर विथ 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली अनइरीगेटेड लैंड। 1916 की बात है, गोविंद एक फार्मर था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर ज़मीन था। विद द हेल्प ऑफ हिज थ्री सन्स गोविंद कल्टीवेटेड द लैंड। तीन लड़के थे उसके, उन तीन सन्स के साथ में वो वहाँ पर कल्टीवेशन करता था। दो दे डिडंट लिव वेरी कम्फर्टेबली, द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो दैट द एंटायर फैमिली पोजेस्ड। अब जितना भी वो लोग कल्टीवेशन करते थे उससे उनके फैमिली के नीड्स फुलफ़िल नहीं हो पाते थे, कंफर्टेबल लाइफ वो नहीं जी पाते थे, तो एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए उन्होंने एक बफेलो को रख रखा था और उस बफेलो के अर्निंग से वो लोग अपने एक्स्ट्रा खर्चे करते थे। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद डेथ, अब कुछ सालों बाद जब गोविंद की डेथ हो जाती है, दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग थ्री सन्स। डेथ होने के बाद उसकी जो ज़मीन थी, कितना 2.25 हेक्टेयर जो उसके पास था, वो तीन बेटों में वो डिवाइड कर देता है। 0.75 हेक्टेयर हर एक के पास में आता है। इवन विथ इम्प्रूव इरीगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मैथड, गोविंद सन आर नॉट एबल टू मेक आ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। अब अच्छे फर्टिलाइज़र, मैन्योर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सब यूज़ करने के बाद भी उनके पास इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती थी कि वो अपनी फैमिली को अच्छे से रख सकें, फैमिली के नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ईयर। अब साल के कुछ टाइम में उनको एडिशनल वर्क करना पड़ता था ताकि वो सब लोगों के अपने फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। You can see the large number of small plots scattered around the village in the farmers in the picture. So look at in the picture 1.5. In this picture, small plots are framed. These are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half of the area of the village is covered by plots that are quite large in size. In this picture, some plots are very small. Some plots are large, some plots are very large. On the other hand, more than half of the area of the village is covered by plots that are quite large in size. इन आधा जो इनका एरिया है, आधा जो इनका गांव है, विलेज है, वो तो बिग फार्म से ही भरा हुआ है। इन पालनपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। अब 60 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास जो कल्टीवेबल एरिया था वो 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा था। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडेड ओवर 10 हेक्टेयर और मोर। कुछ फार्मर्स ऐसे थे जिनके पास में 10 हेक्टेयर या उससे भी ज़्यादा ज़मीनें थी। नाउ लुक एट दिस ग्राफ। इन दिस ग्राफ इन कल्टीवेबल एरिया, इन दिस पाई चार्ट कल्टीवेबल एरिया 64% पीपल आर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स।
कल्टीवेटेड एरिया मतलब जहाँ पर एग्रीकल्चर होता था वहाँ पर मीडियम और लार्ज फार्मर्स का रेशो कितना था 64% और स्मॉल फार्मर्स का कितना है 36%। नंबर ऑफ़ फार्मर्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ फार्मर्स कितने हैं 80% कौन से फार्मर हैं जो स्मॉल फार्मर्स हैं जो कल्टीवेशन करते हैं और 20% ही ऐसे हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं। तो नंबर ऑफ़ फार्मर्स जो हैं स्मॉल फार्मर्स में ज़्यादा हैं और कल्टीवेबल एरिया ज़मीनें जो हैं वो किसके पास ज़्यादा थी मीडियम और लार्ज फार्मर्स। नाउ कम टू द टॉपिक नंबर 5 हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर कौन प्रोवाइड करता है। After land, labor is the next necessary factor for production. Farming requires a great deal of hard work. Hard work चाहिए होता है farming के अंदर क्योंकि सभी काम manually होते हैं वहाँ पर। Small farmers along with their families cultivate their own field. Thus, they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmer hire farm laborers to work on their field. अब जो स्मॉल फार्मर्स होते थे वो तो अपने पर्टिकुलर जो उनका कल्टीवेबल एरिया होता था उसके ऊपर सारे काम मोस्ट ऑफ़ द वर्क वो लोग खुद ही करते थे या उनके फैमिली मेम्बर्स करते थे। लेकिन जो बिग फार्मर्स होते थे जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते थे वो लोग फार्म लेबरर्स को हायर करते थे, लेबर को वहाँ पर बुलाते थे ताकि वो लोग वहाँ पर आके उनके पर्टिकुलर एरिया के अंदर कल्टीवेशन कर सकें। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। अब जो फार्म लेबर्स थे वो ज़्यादातर लैंडलेस फैमिलीज के होते थे या फिर फैमिलीज जिनके पास में बहुत छोटा पार्ट होता था लैंड का कल्टिवेशन के लिए वो अपने दूसरे ज़मीनों के ऊपर दूसरे फार्मर्स के पास में जाकर के वो लोग काम करते थे। अनलाइक फार्मर्स फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। अब जो फार्मर वहाँ पे क्रॉपिंग कर रहा है कल्टीवेशन कर रहा है उसका उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था क्रॉपिंग के अंदर कि कल्टीवेशन के अंदर उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसको कल्टीवेशन से कुछ भी नहीं मिलेगा। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क। अब जो वहाँ पर वो काम कर रहा है एज अ लेबर जो वहाँ पर काम कर रहा है वर्क कर रहा है उसको क्या दिया जाता था पेड वेजेस। वेजेस क्या होते हैं पर डे का जो अमाउंट उनको दिया जाता था वो क्या कहलाता था वेजेस। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड। या तो वेजेस कैश में दिए जाते थे या फिर जो प्रोडक्टिविटी वहाँ पर होती थी जो कल्टीवेशन वहाँ पर होता था उसका कुछ पार्ट क्रॉप्स उनको दे दिया जाता था। एग्जाम्पल क्रॉप्स समटाइम्स लेबरर्स गैट मील्स ऑल्सो कभी कभी उनको खाना भी दे दिए करते थे बिग फार्मर्स। Wages vary widely from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another, like sowing and harvesting. अब जो wages होते थे वो constant नहीं होते थे, region to region अलग हो जाते थे, किसी region में ज़्यादा तो किसी region में कम। Crop to crop भी अलग हो जाते थे, किसी crop के लिए कम तो किसी crop के लिए ज़्यादा। Farming activity के according भी wages अलग होते थे, जैसे sowing के लिए अलग होते थे और harvesting के लिए अलग होते थे। Underline this. There is also a wide variation in the duration of employment. अब employment में भी duration होते थे, employment का जो दिया जाता था paid उसमें भी durations होते थे, अलग अलग timing होता था। A farm laborers might be employed only a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year. अब उनको जो payment दिया जाता था वो या तो daily wages पे दिया जाता था, daily का वो आएंगे और daily का अपना payment wages लेके चले जाएंगे, या फिर उनको हार्वेस्टिंग पीरियड के लिए दे दिया जाता था कि 2-3 महीने जो हार्वेस्टिंग पीरियड है आप उस टाइम में आओ और अपना पेमेंट लेकर चले जाओ, या फिर उनको पूरे साल के लिए दिया जाता था। तो जो टाइमिंग था जो ड्यूरेशन था वो सबका अलग अलग था। क्लियर।